महिलाएं यही सोचती है, अगर मेरा घर का किचन दिखाया किसी टीवी के कार्यक्रम में तो कितना ऑड लगेगा। बहुत संकोच हो जाता है, माने या ना माने, हकीकत तो यही है दोस्तों। महिलाएं सोचती है कि टीवी के कोई कार्यक्रम में अगर मेरा घर का किचन दिखेगा तो दाग धब्बे दिखेंगे। अरे भाई, यह तो समझिए कि जिस किचन में काम होगा छींटे तो वहीं उड़ेंगे। होली हो और रंग ना लगे, दिवाली हो तो फटाके का धुआं भी ना हो, यह रसोई में लगे हुए दाग और धब्बे ही तो पहचान है। आपकी रसोई आपके हाथ के स्वाद का अंजाम, काफी खुशनुमा, हसीन और स्वादपूर्ण है। वही देखने हम आ रहे हैं, आपके घर, आपके संग, आपकी रसोई में, या फिर आपको ले आएंगे हमारी रसोई में। आपकी रसोई हमारी रसोई, देखते रहिए साहित्य टाइम्स पे। अब तो कोई संकोच नहीं है ना, कोई परहेज नहीं है ना, हम आ रहे हैं आपकी रसोई हमारी रसोई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप सभी देख रहे हैं अपनी रसोई, जहाँ हम आपको प्रतिदिन एक से बढ़कर एक रेसिपी आपके बीच लाते हैं, शेयर करते हैं रेस्टोरेंट और ढाबा के, जिसको आप अपने स्टाइल में घर वालों के लिए बनाते हैं। जिसको बनाने में आपको तो मजा आता ही है, आपके घर वालों को खाने में उससे भी ज्यादा मजा आता है। और हमारे इस प्रोग्राम का बस यही एक कोशिश है, एक छोटी सी बस यही कोशिश है कि आप सभी जो घर बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो एक से बढ़कर एक लाजवाब, जायकेदार, सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना अपने घर वालों के लिए बनाए। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड। मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी मसाला ओट्स बनाना बताती हूँ। कैसे बनाए जाते हैं ये खाने में तो टेस्टी होते हैं, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाते हैं और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसाला ओट्स बनाने के लिए 1.5 कप मैंने ओट्स लिए हैं, अगर हम ग्राम में नापे तो ये 150 ग्राम है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओट्स को भून लेते हैं, इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब मैं इनको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट करीब हल्का सा भून लेती हूँ, जिससे कि इसके अंदर जितना कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, 3 मिनट करीब हो गए हैं, ये भून गए हैं। आप चाहें तो इन्हें बिना भुने भी बना सकते हैं, लेकिन भून करके जब हम बनाते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, इसे अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैं इनको हेल्दी बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। अब मैं ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी हींग डाल देती हूँ, 1 टीस्पून जीरा। जीरे को भुनने देती हूँ, जीरा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर 1 हरी मिर्च डाल देती हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छोटे पीस में काट लिया है वो भी डाल देती हूँ। हरी मिर्च और अदरक को हल्का सा भून लेती हूँ। हरी मिर्च और अदरक भून गई है, ये मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है वो भी डाल देती हूँ। प्याज को मिक्स कर देती हूँ। मैं प्याज को लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का भून लेती हूँ। प्याज हल्के गोल्डन कलर की भुन गई है, अब मैं इसके अंदर मसाले मिक्स करूंगी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हरी मिर्च का भी यूज किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप मिर्च का यूज करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं सभी मसालों को हल्के सा भून लेती हूँ, जिससे कि मसालों के अंदर जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। मसाले भुन गए हैं, ये मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं जिसे छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देती हूँ। टमाटरों को मिक्स कर देती हूँ। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ, नमक टेस्ट के अनुसार। नमक को मिक्स कर देती हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, ये मैंने 4 से 5 बीन्स लिए हैं वो भी डाल देती हूँ। 1 छोटे साइज की गाजर जिसे छोटे पीस में काट लिया है वो भी डाल देती हूँ। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। 1/4 कप मटर, ये फ्रोजन मटर है, आप चाहें तो कच्ची मटर को हल्का सा बॉईल करके भी डाल सकते हैं।
मैं सभी वेजिटेबल को मिक्स कर देती हूँ और इन्हें एक मिनट के लिए भून लेती हूँ। एक मिनट करीब हो गए, वेजिटेबल भून गई है। अब मैं इसके अंदर 3 कप पानी डाल देती हूँ क्योंकि मैंने 1.5 कप ओट्स लिए हैं। अब मैं इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। 3 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो गई है। मैंने वेजिटेबल को थोड़ा सा क्रंची ही रखा है, अगर आपको ज्यादा सॉफ्ट पसंद है तो आप 1-2 मिनट करीब और पका सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ओट्स डाल देती हूँ और ओट्स को मिक्स कर देती हूँ। मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट करीब ढक करके और पका लेती हूँ, जिससे कि और सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये मसाला ओट्स बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, धनिया को मिक्स कर देती हूँ। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे मसाला ओट्स बनके तैयार हुए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख पा रहे कितने अच्छे मसाला ओट्स बनके तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और ये कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट में बना करके खा सकते हैं। इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये आपको कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। पीछे एक और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कम समय में बनाने वाली एक रेसिपी हम बीच देखते हैं आज का ये एपिसोड। आज मैं आपको हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है और आप इसको इजिली घर में बना सकते हैं। जैसे बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो आप इसके बना करके उनको दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। 4 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा, 2 टेबल स्पून चीनी, चीनी आप टेस्ट अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 गिलास मैंने चिल्ड फूड क्रीम दूध लिया है, थोड़ी सी आइस क्यूब्स। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ, बनाते कैसे। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। रूह अफ़ज़ा, चीनी, आइस, आइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें कि आपको कितना ठंडा पीना है। अब मैं इसे मिक्सी से ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए कितनी जल्दी मिल्क शेक बनके तैयार हो गया, कितना बढ़िया बना है, झागदार। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने एक ग्लास लिया है, इसे रूह अफ़ज़ा से मैं डेकोरेट कर देती हूँ, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें मिल्क शेक डाल देती हूँ। अब मैं ऊपर से झाग डाल देती हूँ। तो ये कितना बढ़िया मिल्क शेक बनके तैयार हुआ है। ये पीने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते। आपको आज का हमारा रेसिपी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे एक से बढ़कर एक रेसिपी आपके बीच लाते रहेंगे, जिससे कि आपको बनाने में भी सुविधा हो और आपके घर वालों को खाने में मजा आए और आपको बनाने में सुविधा हो और बहुत बढ़िया खाना बन जाए। तो हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग रेसिपी लेकर आते रहेंगे, जो कि खाने में स्वादिष्ट हो और सेहतपूर्ण हो। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे साहित्य टाइम्स। धन्यवाद।
अक्सर महिलाएं यही सोचती है, अगर मेरा घर का किचन दिखाया किसी टीवी के कार्यक्रम में तो कितना ऑड लगेगा। बहुत संकोच हो जाता है, माने या ना माने, हकीकत तो यही है दोस्तों। महिलाएं सोचती है कि टीवी के कोई कार्यक्रम में अगर मेरा घर का किचन दिखेगा तो दाग धब्बे दिखेंगे। अरे भाई, यह तो समझिए कि जिस किचन में काम होगा छींटे तो वहीं उड़ेंगे। होली हो और रंग ना लगे, दिवाली हो तो फटाके का धुआं भी ना हो, यह रसोई में लगे हुए दाग और धब्बे ही तो पहचान है। आपकी रसोई आपके हाथ के स्वाद का अंजाम, काफी खुशनुमा, हसीन और स्वादपूर्ण है। वही देखने हम आ रहे हैं, आपके घर, आपके संग, आपकी रसोई में, या फिर आपको ले आएंगे हमारी रसोई में। आपकी रसोई हमारी रसोई, देखते रहिए साहित्य टाइम्स पे। अब तो कोई संकोच नहीं है ना, कोई परहेज नहीं है ना, हम आ रहे हैं आपकी रसोई हमारी रसोई।